चलिए बच्चों अब आते हैं हम लोग आगे के क्लास में। ये क्या करा सिंपलीफाई एक्सरसाइज आपका यूपी बोर्ड का जो है आपका है सिंपलीफाई 16x² - 8x³ / 4x का, ठीक है। दो मेथड है बच्चा, चाहो तो यहाँ पे कॉमन ले लो या दोनों को नीचे ले लीजिए। देखो पहला मेथड जो तुम लोग इजी है ए बहु है ना, यहाँ पे 16x² आप पानी के नीचे भी ले लो 4x माइनस है माइनस लगा दीजिए 8x³ / 4x दोनों के नीचे लिख दिया है, ठीक है। जब दोनों के नीचे लिख दिया तो देखो एक एक्स है तो एक एक्स ये कैंसिल हो जाएगा। अब फूफो जा 16 यानी 4 आया पे साइड में बचा क्या x माइनस 4 जा 8 यहाँ पे ऐसे कट जाएगा तो यानी 2x² ये आंसर हो गया। या चाहो तो यहाँ से 2x कॉमन ले लो, 2x कॉमन लेंगे आप 2x बचेगा तो 2 जा 4 x पूरा निकल गया है 2 x निकल गया है 1x यहाँ से निकला तभी 1x बचा ना क्योंकि स्क्वायर था, बस हो गया आंसर। अब इसी को जो है दूसरे तरीके सॉल्व करते हैं बिना बिना दोनों के नीचे लिए। समझो यहाँ पे देखो यहाँ पे बिना दोनों के देखो यहाँ पे इसमें से चाहो तो हम डायरेक्ट काम ले ला 4x काम ले ला क्या ले ला देखो 4 + 16 = 8 4x से डायरेक्ट यहाँ से काम ले लीजिए तो कॉमन का मतलब होता है कि एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में क्या कर देना है डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए 4 जैसे कॉमन लोगे यहाँ पे तो फोफो जा 16x बच जाएगा, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे चाहो तो फिर तुम्हें लिख देना है क्या 4 × 8 और यहाँ पे एक से निकल गया तो 1x² हो गया बाई 4x से 4x कैंसिल हो गया तो कोई चीज यहाँ बचा था ना, देखो तो कितना जगह यहाँ पे 4x - 2x² ये छोड़ दो अदरवाइज फिर से इसमें से 2x क्या कर लो कॉमन तो 2 जा 4 आया पे 1x इस तरह आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो पढ़ाई करो दबा के और ज्ञान बढ़ाओ एकदम दबा दबा हड़ा हड़ा के। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहे, धन्यवाद।